हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको वीडियो के अंदर रैशनल नंबर्स के बारे में बताएंगे। व्हाट इज रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय पी अपॉन क्यू फॉर्म। जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशंस इसके अंदर होती है। पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं रिटर्न होता, नहीं लिखा जाता, हुज नंबर्स आर कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय पी अपॉन क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये आपके नाइन्थ क्लास के अंदर यूज किया जाता है। इससे पहले आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, और इससे पहले इसमें नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, ये मैंने आपको पहले जो वीडियो है उनमें समझाया था। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का भी प्रयोग हो सकता है, इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया जाता है। इनमें जो ऊपर की टर्म्स होती है पी, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे जो है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हमारी स्थिति है। फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको हम, फ्रैक्शन होती है। ठीक है, उसको भी कहते हैं। तो इनका यूज हम करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। इसके अंदर जैसे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बताना है फाइव रैशनल नंबर्स माइनस वन एंड जीरो के बीच का जो है रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो है 10 से इसको डिवाइड कर देंगे और 10 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम जो है डिजिट है वो आगे करेंगे। ये हमारी माइनस वन हो गई और दूसरी है जीरो से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जीरो आ गई। ये दो डिजिट हमारे पास हो गई, ये दोनों। अब इसके बीच में जो होगा वो हमारी रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। Like this, minus 10 upon 10, 9 upon 10, minus 8 upon 10, और इस प्रकार से जो है इनका यूज किया जाएगा। minus 7 upon 10, minus 6 upon 10, यहां पर ये जीरो है, जीरो से ग्रेटर और minus 10 से लेस की जो डिजिट है वो आपने रिटर्न कर, वो आपने क्या करनी है, रिटर्न करनी है। जैसे माइनस फाइव अपॉन टेन, माइनस फोर अपॉन टेन, माइनस थ्री अपॉन टेन, माइनस टू अपॉन टेन, माइनस वन अपॉन टेन, इस प्रकार से आपने ये इसके बीच जो दिया हुआ है, या फिर आपने ये जीरो अपॉन टेन ये आपका गया। तो इसके बीच में कोई भी जो डिजिट है वो आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये नंबर हो गए जो बीच के अंदर रखे जाएंगे, इसके बीच में रखे। आपने क्या किया है, इसको जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी संख्या से उसको डिवाइड करना है, उसी संख्या से उसको डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आना चाहिए, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, उसके अंदर ये दिया हुआ माइनस फोर अपॉन फाइव
और यहां ये दिया हुआ है माइनस टू अपॉन थ्री, माइनस टू अपॉन थ्री। अब इसके बीच में भी फाइव जो है रेशनल नंबर्स फाइव आउट कर रहा है। अभी मैंने आपको क्या किया, माइनस फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करके ट्वेल्व से मल्टीप्लाई, ट्वेल्व से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास कितना हो गया, माइनस फोर्टी एट अपॉन और ट्वेल्व फाइव से सिक्सटी। इसको हम करेंगे ट्वेंटी से, क्या करेंगे ट्वेंटी से, तो माइनस टू अपॉन थ्री और ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी, उतने से ही डिवाइड करना है, उतने से ही मल्टीप्लाई करना है, जरूर ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और ये हमारे पास सिक्सटी। अब इनके बीच में जो संख्याएं है वो इसकी आपकी टर्म्स होगी। अब जैसे क्या हो गया, माइनस अड़तालीस यानी कि माइनस फोर्टी सेवन अपॉन सिक्सटी, माइनस फोर्टी सिक्स अपॉन सिक्सटी, माइनस फोर्टी फाइव अपॉन सिक्सटी, माइनस फोर्टी फोर अपॉन सिक्सटी, माइनस फोर्टी थ्री अपॉन सिक्सटी। ये इस प्रकार से जो आपकी टर्म्स है फोर्टी से और फोर्टी एट के बीच में जो संख्या आएगी वो आपकी इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको अब आगे जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो देखिए इसमें तो सिंपल है, टर्म्स को आगे बढ़ाना है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पर माइनस थ्री अपॉन फाइव, माइनस सिक्स अपॉन टेन, माइनस नाइन अपॉन फिफ्टीन, माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी। ये इसके अंदर दिया हुआ है, इसके आगे जो है फोर डिजिट ले रही है। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें थ्री की टेबल है, ये फाइव की टेबल है, तो इसके आगे की क्या लिखी है, माइनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फाइव, माइनस एटीन अपॉन थर्टी, माइनस ट्वेंटी वन अपॉन थर्टी फाइव और माइनस ट्वेंटी एट अपॉन नहीं 24 आ गया और ये 40, ये इस प्रकार से हो गया, ये आपका हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम देखो इसको दूसरे तरीके से करें तो 3 इसका दूसरा मेथड और भी है, 3 अपॉन 5 है, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 1 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसको माइनस थ्री अपॉन फाइव को टू से मल्टीप्लाई किया, टू टू से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब देखिए थ्री टू या सिक्स, फाइव टू या टेन हो गया। अब ये थ्री से कर लेंगे आगे, अब जैसे वन टू थ्री फोर, फोर तक तो ये है, तो इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सिक्स से कर देंगे, फिर सेवन से कर देंगे, तो इस प्रकार से ये पैटर्न आपका जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर जो थ्री है वो आप देखिए इसके अंदर क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने फाइंड आउट करनी है, माइनस टू और सेवन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट मतलब है कि इसके बराबर होने चाहिए, तो सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और सेम टर्म से ही इसको डिवाइड कर दो। कितना माइनस फोर अपॉन फोर्टीन, माइनस सिक्स अपॉन ट्वेंटी वन, माइनस एट अपॉन ट्वेंटी एट और माइनस टेन अपॉन थर्टी फाइव, ये आपका हो गया। तो ये आपके टर्म्स इस प्रकार से आपकी जो है कंडीशंस इस प्रकार से निकल गई है। अब आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, ये लाइन के ऊपर ड्रा करना है, नंबर ड्रा ए नंबर लाइन, लाइन के ऊपर नंबर ड्रा करना है। यहां पर दिया हुआ है जैसे थ्री अपॉन फोर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां
रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यहां जीरो हो गया, प्लस की तरफ है तो ये राइट साइड में हो गया, ये मान लीजिए वन हो गया, ये क्या हो गया वन। अब ये हमारा वन की कौन से पार्ट है, देखिए वन अपॉन वन, वन अपॉन फोर, टू अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर और फोर अपॉन फोर, देखिए किस प्रकार के पार्ट है। तो ये पार्ट इसका दिया हुआ है, तो यहां पर क्या हो गया, ये चार पार्ट अपने ये लिए, ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया वन अपॉन फोर, ये टू अपॉन फोर हो गया और ये आपका थ्री अपॉन फोर। तो ये जो पार्ट ये है ये लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा इसका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा इस प्रकार से आपने क्वेश्चन। मान लीजिए इसी में ही आगे जो दिया हुआ है माइनस फाइव अपॉन एट दिया हुआ है, माइनस का आ जाए तो भी मैसेज तरीका वही है, सेम मेथड वही है, यहां पर जीरो लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कितने हैं पांच, यानी टेन पार्ट लेने हैं हमने, इक्वल टेन पार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, ये मान लीजिए यहां जीरो हो गया और यहां पर ये माइनस हो गया, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, ये वन अपॉन एट लेंगे, माइनस वन अपॉन एट, माइनस टू अपॉन एट, माइनस थ्री अपॉन एट, माइनस फोर अपॉन एट, माइनस फाइव अपॉन एट, माइनस सिक्स अपॉन एट, माइनस सेवन अपॉन एट, माइनस एट अपॉन एट, इस प्रकार से माइनस नाइन अपॉन एट और माइनस टेन अपॉन एट, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन किया। तो यहाँ आपने केवल एट तक लेना है, ये लेना है यहाँ पर, ये पॉइंट तक लेना है। अब यहाँ पर कौन सा फाइव, तो ये जो पॉइंट है ये आपका फाइव अपॉन माइनस फाइव अपॉन एट रिप्रेजेंट हो गया लाइन के, ये आपका लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव है, उसके अंदर पॉइंट दिए हुए हैं वो आपने नंबर बताने हैं, वो आपने नंबर बताने हैं, इसके अंदर ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर फाइव दिया हुआ है, ये आपने दिया हुआ है, इसमें यू एस आर और टी और ए पी क्यू बी ये दिए हुए हैं, एक साइड में माइनस के पॉइंट है, एक साइड में प्लस के पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसमें आपने पी क्यू आर एस के पॉइंट दे रखे हैं वो बताने हैं। तो यहां पर जो पी है, पी पॉइंट है, उसका क्या होगा, पी रिप्रेजेंट, पी रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर, किसको रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टू है वन अपॉन थ्री, इसको करेंगे एलसीएम लेंगे थ्री सिक्स प्लस वन सेवन अपॉन थ्री, ये अपॉन, ठीक है, क्यों जो है क्यों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा थ्री, थ्री के ऊपर है, ये टू के ऊपर है, टू प्लस टू अपॉन थ्री, ऐसे ही इसमें एलसीएम सिक्स प्लस टू, तो यहां पर कितना हो गया एट अपॉन थ्री। इसके बाद है पी क्यू आर, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर क्या जाएगा माइनस वन, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री, एलसीएम थ्री लेंगे तो माइनस थ्री और माइनस वन, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस फोर अपॉन थ्री, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जब उसका लेंगे तो यहाँ माइनस वन की जगह माइनस टू अपॉन हो जाएगा और उसी प्रकार से वो इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन फाइव आपके कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो
वीडियो को अच्छी तरह से समझिए और जो है ध्यान से देखिए इस प्रकार से मेथड यूज किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।